आधुनिक भारत के आज के इस लेक्चर में मैं तीन महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोहों के बारे में चर्चा करूंगा। ये मैं अलग से टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपकी विशेषकर बीपीएससी फिर झारखंड पीएससी की परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये तीन विद्रोह कौन कौन से हैं? संथाल विद्रोह, इसके अलावा मुंडा विद्रोह और इसके अलावा ताना भगत आंदोलन या विद्रोह। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संथाल विद्रोह। ये जो संथाल क्षेत्र है भागलपुर और राजमहल, बिहार में भागलपुर और राजमहल इन दोनों के बीच का क्षेत्र, देख रहे हैं भागलपुर और राजमहल के इन दोनों के बीच का क्षेत्र जिसको दामन ए कोही भी कहा जाता था। तो भागलपुर और राजमहल पहाड़ियों के बीच का ये क्षेत्र है जो कि वर्तमान में झारखंड में है। तो ये जो दामनी कोही नाम से ये जाना जाता था कोही, इसी क्षेत्र को संथाल बहुल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। संथाल वहां के स्थानीय जनजाति है। संथाल का ये जो क्षेत्र है जो दामनी कोही है ये बड़ा ही वन संपदा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो तत्कालीन समय में जो संथाल थे यहाँ वन संपदा के द्वारा अपनी जीविका बड़े आराम से जी रहे थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा जो वन नीति लागू की गई जिसके कारण इन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। अब इनकी जमीन अपनी ही जमीन पर अगर ये पशुओं को चरा रहे तो उस पर भी कर देना पड़ता था। झूम खेती पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्यों? क्योंकि उस पर कृषि पर भी कर थोप दिया अंग्रेजों ने। इसके अलावा अब लकड़ी बुनने वगैरह पर यानी लकड़ी जो चुनते थे तो लकड़ी चुनने पर भी प्रतिबंध लगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो औषधीय पत्तियां थी औषधीय पुष्प थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरीके से ये जो आदिवासी थे ये पूरी तरीके से तिल मिला गए। इसी की एक परिणति है संथाल विद्रोह जिसको हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता। तो 1855 से 56 में ये विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इसके प्रणेता सिद्धू, ये नाम सिद्धो भी आता है। तो इसके प्रणेता सिद्धो और कान्हू नामक दो व्यक्ति हैं। तो सिद्धो कान्हू, इसके अलावा इनमें इनकी मदद इनके भाई चांद और भैरव ने भी की थी। इसके साथ साथ उनकी बहन झानो और फूलों की भी भूमिका रही। इन लोगों ने एक संगठन गठित किया जिसमें सिद्धो राजा बने, कानून मंत्री, इनके भाई चांद प्रशासक और भैरव सेनापति की भूमिका में है। तो इस तरीके से संथाल विद्रोह का बिगुल बजा। इसमें जो संथाल विद्रोह का मुख्य नारा था वो था अपना देश और अपना राज, यानी बाहरी लोगों को भगाने के लिए खुला विद्रोह, यानी जो दीकू थे आदिवासी बाहरी लोगों को दीकू के नाम से जानते थे दीकू। तो जो दीकू थे उनको भारत यानी अपने क्षेत्र से बाहर करने के लिए, ये दीकू में कौन कौन थे? साहूकार थे, महाजन थे, जमींदार थे, अंग्रेज थे, इनको बाहर करने के लिए संथाल विद्रोह प्रारंभ किया गया। संथाल विद्रोह केवल संथाल क्षेत्र में ही बल्कि इसका विस्तार हजारीबाग, वीरभूमि और छोटा नागपुर में भी हुआ। हजारीबाग में लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने इसका नेतृत्व किया, जबकि वीरभूमि में गोरा मांझी ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबाया। सिद्धो और कान्हू को बरहैत में, झारखंड में है तो बरहैत में फांसी दे दी गई। चांद व भैरव महेशपुर के युद्ध में अंग्रेजी गोली की यानी अंग्रेजों द्वारा गोली के शिकार बने, अंग्रेजों ने उन्हें गोली मार दी। इस तरीके से संथाल विद्रोह को दबा दिया गया। हालांकि संथाल विद्रोह पहली परिणति के रूप में प्रश्न पूछा जाता है कि संथाल मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न ध्यान रखिए, मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ कि संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो संथाल विद्रोह ब्रिटिश, क्योंकि आप जानते हैं 1856 के बाद यानी 1857 में जो भारत की पहली क्रांति हुई थी जिसे 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसके ठीक पहले ये संथाल विद्रोह यानी संथाल का आंदोलन हुआ था। इसमें ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा देश व्यापक रहा। ये झारखंड से शुरू होके इसने अपनी जो छाप छोड़ी वो केवल झारखंड और बिहार में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी छाप छोड़ी। कहीं ना कहीं अब हर पहाड़ी क्षेत्र, हर जनजाति क्षेत्र में यह सिद्ध हो चुका था कि अंग्रेज उनके वजूद को समाप्त करना चाहते हैं, उनके वन संपदा पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। इस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी बिगुल थी
संथाल विद्रोह। विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन अलेक्जेंडर और ले थॉमसन, इसके अलावा ले रेड की भूमिका रही। तीन लोगों की कौन कौन? कैप्टन अलेक्जेंडर, ले थॉमसन और ले रेड की। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति माना गया है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, संथाल विद्रोह के दो महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से रहे? दिगंबर चक्रवर्ती और छोटरे दसमंजी, याद रखिए। हालांकि ये बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसके अलावा झारखंड के कौन? छोटरे दसमंजी। तो दो महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? एक दिगंबर चक्रवर्ती और एक छोटरे दसमंजी। इनके कथा वृतांत, इन्होंने जो कहानियां लिखी, इन्होंने जो कथा लिखे, तो इन दोनों लोगों के कथा वृतांत बड़े महत्वपूर्ण स्रोत है संथाल विद्रोह के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया है। इसने न केवल आदिवासी क्षेत्रों में बल्कि संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल बजा दिया। हालांकि इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम भी मिला। इसके बाद से अब झारखंड के क्षेत्र में देखिए, आप जानते हैं कि 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, उससे पहले झारखंड बिहार का हिस्सा था। तो ये सभी विद्रोह मुख्य रूप से बिहार के ही क्षेत्र में हुए, लेकिन वर्तमान समय में पृष्ठभूमि इनकी, इन विद्रोहों की पृष्ठभूमि झारखंड के अंतर्गत है। तो अगला है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान यानी महान अंचल। बहुत बड़े पैमाने पर मुंडा विद्रोह हुआ था, हालांकि मुंडा विद्रोह को भी दबा दिया गया। 1895 में सबसे पहले मुंडा विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान घोषित कर दिया। कब ईश्वर खुद को घोषित किया था? 1895 में। और उसी समय 1895 में ये मुंडा विद्रोह चला। उपनाम जो मुंडा बिरसा मुंडा का था वो धरती आबा और बिरसा भगवान, ये दो उपनाम दिखाई देते हैं, धरती आबा एक बिरसा भगवान। यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित था एवं अंग्रेजी शासन के खिलाफ होते हुए जनजातीय आंदोलन में सर्वाधिक प्रसिद्ध व प्रभावशाली आंदोलन बना। तो इस तरीके से मुंडा विद्रोह अब तक का जितने भी विद्रोह हुए आंदोलन, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली और प्रसिद्ध विद्रोह रहा अंग्रेजों के खिलाफ। इसका मुख्य कारण क्या था कि मुंडा जनजाति में प्रचलित जो सामूहिक खेती की व्यवस्था थी, जिसको खुंटकट्टी कहा जाता था, याद रखिएगा खुंटकट्टी याद रहेगा। तो ये खुंटकट्टी या इसको मुंडारी भी कहा जाता था, तो ये खुंटकट्टी या मुंडारी व्यवस्था थी, इसे समाप्त करिए, सामूहिक कृषि की एक व्यवस्था थी, इसे समाप्त कर दिया गया और बैठ बेगारी प्रथा लागू कर दी गई और उनका शोषण किया जाने लगा। यानी कुल मिला जुलाकर उनकी जो सामूहिक कृषि की प्रथा थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब कृषि पर भी भिन्न भिन्न प्रकार के अंग्रेजों ने कर लगा दिए। तो इसका पुरजोर विरोध किया मुंडा समाज ने, विशेषकर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय जो रहा वो खूंटी रहा। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय से मैं बता दूं, खूंटी रहा, ये झारखंड में है। 1895 में बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया। 3 फरवरी 1900 में अंततः बिरसा को गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व भी बिरसा को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उस समय गिरफ्तार करने के पश्चात फिर इन्हें लगभग 2 साल की जेल के बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन अब की बार इनके बढ़ते हुए आंदोलन से भयभीत हो गए अंग्रेज। अंग्रेज दरअसल खुद नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, ये आदिवासी सुधार के लिए हो रहा है कि हमारे खिलाफ हो रहा है। कुल मिला जुलाकर अंग्रेज इतने भयभीत हुए कि उन्होंने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। 3 फरवरी 1900 को जेल में ही, रांची जेल में ही हैजा के कारण 9 जून 1900 को, 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण से हुई? हैजा के कारण से हुई। कहा? रांची के डोरांड जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु। काफी बड़े पैमाने पर यह आंदोलन रहा। इस आंदोलन ने पूरे झारखंड और बिहार ने बल्कि पूरे भारत को प्रभावित किया। विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? स्ट्रैथफील्ड थे। और स्ट्रैथफील्ड, परिणाम क्या मिला? परिणाम ये मिला कि झारखंड में गुमला और खूंटी ये दो अनुमंडल बनाए गए 1902 में, गुमला और खूंटी 1903 में। इसके अलावा 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। यदि आप JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट हैं, उनकी उसकी परीक्षा देने के इच्छुक हैं,
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद का विकास किया था। एकेश्वरवाद के विकास के लिए उन्होंने केवल सिंह भोंगा यानी सूर्य देवता केवल सिंह भोंगा की आराधना का आदर्श दिया था। सिंह भोंगा बिरसा मुंडा के आराध्य देव थे। सिंह भोंगा यानी सूर्य देव। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, भिक्षुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ये बिरसा मुंडा का स्टेटमेंट है। भिक्षु मैंने बता दिया गैर आदिवासी। तो इस तरीके से मुंडा विद्रोह भी खुद में एक बड़ा व्यापक विद्रोह है। मुंडा विद्रोह को सरदारी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मुंडा विद्रोह को उलगुलान यानी महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से ये संथाल विद्रोह जिसको कुल विद्रोह भी कहते हैं और आपने मुंडा विद्रोह देखा। इसके बाद इसी मुंडा विद्रोह का विस्तार कह सकते हैं आप ताना भगत विद्रोह। ताना भगत धार्मिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। सन 1914 में मुंडा ये नेतृत्व जतरा उरांव के नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू हुआ। जतरा उरांव की प्रसिद्धि के कारण इन्हें जतरा भगत के नाम से भी जाना जाने लगा। मुंडा विद्रोह का ही विस्तार कह सकते हैं ताना भगत आंदोलन। 1914 में धार्मिक पंथ के रूप में यह आंदोलन शुरू हुआ था। एकेश्वरवाद पर जतरा उरांव ने जोर दिया। इसके अलावा आदिवासियों में मांस मदिरा और आदिवासी नृत्य पर पाबंदी लगाने की बात कही। आदिवासियों में जो अंधविश्वास भूत प्रेत के प्रति आस्था थी उसे दूर करने पर इन्होंने बल दिया। इसके अलावा झूम खेती की वापसी की भी वकालत की। झूम यानी विचरण करके जो खेती करना था उसकी वापसी की भी वकालत की थी। तो प्रारंभिक उद्देश्य आदिवासी समाज में सुधार, धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार ही रहा। लेकिन धीरे धीरे ताना भगत आंदोलन धीरे धीरे अब अंग्रेजों के विरुद्ध भी होने लगा। क्यों? क्योंकि सभी सुधारों में अब अंग्रेज की वन और कृषि नीति के बीच में एक रोड़ा बन रही थी। इस तरीके से जतरा भगत ने एक ऐलान दिया। उन्होंने कहा कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं देंगे और टैक्स नहीं देंगे। इसके बाद जतरा भगत का विद्रोह जतरा भगत आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आ गया। अंग्रेजों ने 1916 में जतरा भगत को 1.5 वर्ष की सजा सुनाई। 1917 में रिहा जतरा भगत को किया गया लेकिन रिहा होने के बाद 2 महीने के अंदर ही उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन रुका नहीं बल्कि यह आंदोलन महात्मा गांधी की जो ये नागरिक आंदोलन था उससे जुड़ गया। इस तरीके से अहिंसा की नीति पर चलते हुए यह आंदोलन महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। जो स्वदेशी नागरिक आंदोलन था उससे जुड़ गया। ताना भगतों ने 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में जबकि 1923 के नागपुर अधिवेशन में भी भाग लिया। अब ताना भगत गांधी जी के साथ अहिंसा की नीति का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को ताना भगतों ने 400 रुपए की एक थैली भी भेंट की थी। तो इस तरीके से ताना भगत आंदोलन भी आपने देखा। ताना भगत आंदोलन का जो प्रभाव रहा, ताना भगत आंदोलन का प्रभाव रहा कि जो आदिवासी समूह था उसमें सुधार हुए, उनके धार्मिक सामाजिक सुधार हुए। अपने हक के लिए अहिंसा की नीति पर चलते हुए उन्होंने लगातार अंग्रेजों से के सम्मुख अपनी मांग रखी। इस तरीके से आपने ये तीनों संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह और ताना भगत आंदोलन यानी विद्रोह देखा। यहाँ से मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं। मैंने पूरी भूमिका बताई, अगर इस भूमिका को आप सजो लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं तो मुख्य परीक्षा के 200-250 नंबर के जो प्रश्न आते हैं विशेषकर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो प्रश्न बड़े आसानी से सही कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।